हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जी काला जादू जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में क्यों ज़्यादा है, ये बाहर गोरों में क्यों नहीं है, गोरों पे असर क्यों नहीं करता, और गोरों पे जिन बाबे क्यों नहीं आते, और गोरे जो है वो पीरों फकीर और बाबों के पास क्यों नहीं जाते। पहली बात यह है कि हमारा यहाँ पर ना कल्चरल डिफरेंस है, सकाफत हमारी थोड़ी सी अलग है। पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे रहे बड़े सगीर में, हमारा कल्चर जो है ना बहुत ज़्यादा कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत कम हैं। तो जो अंग्रेज़ है गोरे उनमें भी जादू जिन्नात का मामला बहुत है, वो लोग अपने पास्टर्स के पास जाते हैं, प्रीस्ट के पास जाते हैं, उनमें एक्सरसिज्म बकायदा एथेंटिक तरीके से होता है, उनके वहाँ पे बकायदा इदारे बने हुए हैं जहाँ पे जादू और जिन्नात का इलाज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ नहीं है, हाँ हमारे कल्चर की चीज़ें वहाँ पर नहीं है। बाकी वहाँ पर भी जो अक्सर आप यूट्यूब पर या गूगल पर आप देखें, आपको वीडियोज़ मिलेंगी कि वहाँ के जो पास्टर्स हैं या फादर्स जो हैं वो चर्च में वो एक ख़ास पाक पानी होता है वो पिलाते हैं, उसमें उससे वुजू करने का कहते हैं, उसमें डुबकी लगवाते हैं, नौमौलूद बच्चे की, न्यू बॉर्न बेबी की, उसमें पानी में डुबकियाँ लगवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जैसे उनमें भी और हम में भी हैं, तो ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ इस चीज़ों का डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आता है कि कल्चर थोड़ा सा अलग है, सकाफत हमारी अलग है। हमारे यहाँ पर औलिया कराम के बाद अब तक वही पीरों फकीरों का बाबों का कल्चर चलता आ रहा है कि जिसको कुछ जो कुछ भी नहीं है उसको भी हम बाबा बना लेते हैं, और माँ बाप से ज़्यादा और इवन कि दुनिया में किसी भी रिश्ते से ज़्यादा उस बंदे को हम रखते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। और बाकी अपने व्यूज़ अपने आप क्लियर करें, उम्मीद है कि जिसने ये सवाल किया था जवाब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।